हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मुझे भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी मम्मी के घर और मैं बना रही हूँ आज सेमियां, नमकीन वाली सेमियां। आप देख सकते हैं ये वाली सेमियां। मैं भी खिला देना थोड़ी। सेमियां डालने के लिए क्या क्या डाल दिया इसमें देख सकते हैं, दिखाओ। मैंने इसमें डाला ऑयल, जीरा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितना बड़ा लैटर है हमारे घर में, जैसे होटल का खाना बनाते हो। तो इसमें मैंने डाला है तेल, जीरा और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नमक। अभी कुछ नहीं डाला। और स्वाद अनुसार के लिए हम डालेंगे आलू भी डालेंगे कि टेस्ट आए आलू डाल के। और अभी मैंने इनको बारीक बारीक काट दिए हैं। आधा चम्मच नमक, हल्दी है, ओ सॉरी हल्दी और नमक तो मैंने डाल दिया था। अब डालेंगे आधा चम्मच पाउडर मिर्च का, क्योंकि ज्यादा मिर्च नहीं करना, बच्चों ने भी खाना है। ये क्या है? धनिया। आधा चम्मच धनिया और देगी मिर्च आधा चम्मच बस। अब इसको अच्छे से पका देंगे मसालों को ऑयल के साथ। चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो गाइज, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, पक चुका है। देखो कितना प्यारा कलर आ गया है, देख सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी आलू। मैंने आलू डाल दिए। तो मैंने आलू, तो देख सकते हैं आलू इनको अच्छे से, पहले मैं अच्छे से आलू को भी मसालों के साथ भून लेते हैं पहले। फिर पानी डालेंगे इसमें आधा गिलास पकाने के लिए आलू को। तो गाइस, ये आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी इसमें डालूंगी मैं पानी डालूंगी। मैंने पानी डाल दिया है, देखो कितना अच्छा कलर आ गया गाइस। तो आपसे थोड़ी देर के बाद जब ये आलू पक जाएंगे और इसमें डालेंगे फिर हम सेमियां। अब है सेमियां डालने की बारी। द गाइस, मैं डालने वाली हूँ सारी सेमियां। धोने नहीं है ये? चलो, अब मैंने डाल दिया इसमें सेमियां। अब पानी और डालू क्या? अब इसमें डालेंगे पानी थोड़ा और। मटर भी डाल सकते हैं आप, सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हो आप गाइस सारे। आप सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हो। मैंने यहाँ धनिया भी काट के रखा है। अब इसको पकने देंगे, पकने के बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो एवरीवन, मेरा बन गया है सेमियां। देख सकते कितना अच्छा कलर और कितना प्यारा लग रहा है दिखने में और टेस्टी बनाया मैंने। बन गया इसमें, मैंने धनिया भी डाल दिया, हरा धनिया डाला है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो फाइनली सर्व कर दिया, देखो बिना लाइट के भी दिखाती हूँ कितना टेस्टी है। वाओ, यम्मी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। ओके।